हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने जो मल्टीप्लाई करने वाले क्वेश्चन देखे थे नंबर सिस्टम में, और अब हम स्टार्ट करेंगे जो कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले तो हमने मल्टीप्लाई किया था, अब अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो 9 वाला, और कितने टाइम इसको ऐड करो फिर 99, अब 999 को ऐड कर दो, फिर 4 बार 9 लिख दो, ऐसे मतलब ये क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मेट में हो सकते हैं। इतने मैक्सिमम कितने बार ले लेते हैं हम, 5 बार, इसके आगे भी ले लेंगे एक और 6 बार करके। अब ये 5 times 9 है, मैक्सिमम कितने टाइम्स है, 9 कितनी बार है मैक्सिमम, 5 बार, ठीक है। अब 5 में हम क्या करेंगे, 5 बार है ना ये, 5 ध्यान रखो कि 5 बार 9 है, तो इसमें से -1 करने पर कितना होता है 4, ठीक है ना, -1 करेंगे तो कितना होता है 4। अब 4 बार आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, 3 4, ठीक है, लिख दिया हमने 1 4 बार। अब इसके आगे क्या लिखो आप हमेशा 0, जब भी आप इसको कंप्लीट कर लो लिखे, इसके आगे क्या लिखोगे आप हमेशा 0 लिखोगे। 0 लिखने पर, अब 0 लिख लिया ना आपने, अब 0 लिखा आपने, अब आपको क्या करना है 9 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, कितना आता है 45, ठीक है, तो यहाँ पर 45 लिख दो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लेना, अब इसमें यहाँ पर इसको रब करके डायरेक्टली इसको 6 टाइम तक कर देंगे, यानी 6 बार 9 हो, तब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3+ करके इसको 6 बार लिख देते हैं, अब ये कितने 6 बार है, 6 में से 1 कम करने पर कितना आता है बताइए, 5, तो 5 बार 1 लिखो, लिख दिया। अब 1 0 लगाना है आपको, हमेशा ध्यान में रखता हूँ 0 लगाना है। अब 0 लगाने के बाद आपको यहाँ पर 9 कितनी बार था मैक्सिमम, 6 बार, तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना और कितना आता है 54, तो 54 इसके आगे लिख देना। आप सोल्व कर लो चाहे तो इसको पूरा एक ऐड करके, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि 9 से ही 1/5, 9 से 1/5 प्लस 99 से ही 1/5 प्लस 999 से ही 1/5 प्लस ये 4 times 4 फिर 1/5 प्लस 5 बार मैक्सिमम आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, 5 बार। तो इसे आप सोल्व करके बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर, इसका सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इनको, अब एक बात बताइए, अगर ये आपको देखा है 2 से 1/2 तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट करके ऐड कर दो, यानी कि अलग अलग करके जो 2 है उसे पहले लिख दो और फिर प्लस लगा के 1/2, तो बाकी इन सबको ऐसे ही लिखिए, 9 + 1/5, अब आगे कितना है 99, फिर +1/5 क्योंकि इसके साथ 1/5 है, 999 + 1/5 प्लस 4 बार 9 लिखा +1/5 प्लस 5 बार 9 लिखा +1/5। अब ये तो हमें पता है कि हम 9 जा 999 को ऐड करें तो कितना आता है, हम ऐड कर चुके थे, कितना आया था एक साइड में लिख लेते हैं पहले, 9 + 999 + 999, इन 9 वाले नंबर से ना उनको तो एक साइड में लिख लो, और 1/5 1/5 को अलग लिख लो। अब 1/5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 5 बार है, सबको सेपरेट कर लिया, ये 1/5 है, ठीक है ना। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, इसको तो हम जानते कितना आता है क्योंकि यहाँ पर 9 कितनी बार है मैक्सिमम, 5 बार, 5 बार के अकॉर्डिंग कितना, 4 बार 1 लिखना होता है, 1 2 3 4, फिर 0 लगाना होता है, फिर आगे क्या आता है 2 डिजिट वो आएंगे, जिसमें एक तो आपको क्या करना होगा, ये जो 5 बार था ना 9 मैक्सिमम, उसको 9 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो कितना आता है 45, यहाँ पर लिख दो 45, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1, ठीक है, सोल्व करना इसको, 5 by 1 5 आ जाएगा, और 5 से 5 divided 1 time, तो इसका आंसर आता है 1 1 4 बार 1 0 4 6, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर था। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 99 44/99 इसको मल्टीप्लाई करके बोला 99 से, इसका आंसर क्या होगा, फिर 999 860/99 ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई नहीं है इससे, ठीक है ना, ये यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई नहीं है, मिश्र भिन्न है, क्या है, मिश्र भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन,
अभी इसे सोल्व करना है हमें, क्या करना है सोल्व करना है। तो इसके लिए हम जब यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं दोनों जगह, तीनों जगह 99 कितने बार है, 2 बार है, सेम होना चाहिए, ध्यान देना सेम होना चाहिए। अब इसमें से आप क्या करो, एक माइनस करो और इस वाले नंबर में एक प्लस कर दो और यहाँ पर लिख दो। 99 से एक माइनस करेंगे तो 98, और 44 जो अलग नंबर दे रखा है तो कितना आ जाता है 45। इसी तरह 999 और 860 है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 998। माइनस वन इसमें करना है और प्लस वन यहाँ पर जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसमें लिखना है, तो कितना आ जाता है यहाँ पर 860 है 861। तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर सकते हो वन बाई वन इनको। ये ट्रिक्स थी इनकी, नंबर सिस्टम की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके हम ट्रिक्स देखेंगे। तो इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।